ऑफ पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। 17 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम इकाई सुरक्षा परिषद मानी जाती है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत को आखिरी बार 2021-22 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का पदभार मिला था। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 17 जनवरी 1995 को जापान के कोबे में 7.3 तीव्रता के भूकंप में 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भूकंप का केंद्र कोबे से 20 किलोमीटर दूर उत्तर में था। इस भूकंप में 40,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 3,00,000 लोग बेघर हो गए थे। वहीं 2,00,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए थे। इस भूकंप से कोबे शहर के रेलवे नेटवर्क से लेकर बिजली सप्लाई तक प्रभावित हुई थी। कई पुराने पुल भी धराशायी हो गए थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। 17 जनवरी 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-30 को लॉन्च किया था। GSAT-30 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से प्रक्षेपित किया गया था। यह इसरो का 2020 का पहला मिशन था। बता दें कि GSAT-30 GSAT सीरीज का ताकतवर उपग्रह है। इसकी लॉन्चिंग देश में संचार प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। 17 जनवरी 1923 को हिंदी साहित्यकार रांगे राघव का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। रांगे राघव हिंदी साहित्यकार के विलक्षण कथाकार, लेखक और कवि थे। राघव मूल रूप से तमिल भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के कई साहित्यकार की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। राघव द्वारा शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदी अनुवाद इस तरह से प्रसिद्ध हुआ कि उन्हें हिंदी के शेक्सपियर की संज्ञा दे दी गई। रांगे राघव प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्यकार के युग प्रवर्तक लेखक माने जाते हैं। आंखों से सब कुछ कह देने की कला में परांगत और अपने नृत्य कौशल से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में हुआ था। बिरजू महाराज को कथक विरासत में मिली थी और उन्होंने लखनऊ कथक घराने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महज 13 वर्ष में ही कथक के शिक्षक बनने वाले पंडित बिरजू महाराज ने बचपन में पिता के रूप में गुरु को पाया, लेकिन उनके जाने के बाद चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज से कथक नृत्य की बारीकियों को सीखा। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ किया, जिसमें उमराव जान, डेढ़ इश्कियां और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। पद्म विभूषण के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। वहीं 2012 में विश्व रूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज की कलात्मक शख्सियत ऐसी रही जो तर्क से परे मानी जाती है।